नाम को पकड़ लीजिए, जैसे दुनिया में बहुत सारे रोगों को उनका निदान पाने के लिए होम्योपैथी होती है, एलोपैथी होती है, वैसे भक्त के लिए ये नामोपैथी है, सब रोगों को ठीक करने के लिए नामोपैथी। ये अगर हाथ में चलती रहेगी, राम राम रक्षा स्तोत्र में कहा है कि नाम जापक का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, यहां तक कि यमराज भी आंख उठा के उसकी तरफ नहीं देख सकता जो नाम जापक होता है, सच्चा नाम जापक। यमराज भी कह देगा नहीं, इसके पास नहीं जाना, ये तो राधा राधा जपता, इससे दूर रहो, खतरा है इसके पास जाने। पता चले कि यमराज भी सब काम धंधा छोड़ के वहीं उसके पास बैठ जाए। कह रहे हैं कि कोई बाल बांका नहीं कर सकता जो नाम के आश्रित होता है। नाम से बढ़कर कोई साधन सिद्धि शास्त्रों ने बताई नहीं। सब साधन अच्छे हैं, बुरे नहीं है, सब साधन अच्छे हैं, सदाचार अच्छा है, लेकिन अगर मृत्यु तक पहुंचने में अगर सदाचार नहीं आया तो ध्यान करना अच्छा है पर मृत्यु से पहले पहले ध्यान नहीं लगा तो मन को वश में करना ठीक है पर मन वश में नहीं हुआ तो क्या साधन बचा हमारे पास। हृदय में सतोगुण आए, सात्विक गुण आए, ये आने अच्छे हैं पर नहीं आए मृत्यु तक तो एकमात्र ध्यान ना लगा, साधना ना हुई, सात्विक सदाचार आया ना आया, पर ये अगर है साथ में तो फिर ना किसी डर की आवश्यकता है, ना किसी साधन की, ना चिंता की आवश्यकता। बड़े बड़े महापुरुषों ने अपना जीवन सब जगह घुमाया, वेद मार्ग की ओर गए, शास्त्र को पढ़ा, सारे दुनिया में जितनी शास्त्र हैं विधियां सब पढ़ डाली। हमने तो कुछ नहीं किया जीवन में, पर उन महापुरुषों ने सब पढ़ लिया, सब जगह भटक लिए, और फिर जब सब जगह से उनको एक निचोड़ मिला तो लाके हम जैसों के लिए दे दिया, जो कुछ नहीं कर पाते कि लो कुछ नहीं कर पा रहे, ये लो भगवान का नाम, इसको बैठे बैठे जपो, बस कुछ नहीं करना, तुम कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं भागना, किसी साधन के पीछे नहीं भागना, बस ये करो। तुम सबका निचोड़ दे दिया, सबका निचोड़ ला करके एकमात्र सदगुरु ने ये नाम पकड़ा दिया।